तो वेलकम गाइस आपके पहले शोकेस असाइनमेंट में। इस असाइनमेंट में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि ये ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना, या फिर मेरे पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड देना, या फिर पीछे एक मस्त सी शैडो लगाना। देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक अच्छा एडिट मतलब कि बहुत सारे इफेक्ट, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे, यहाँ पे कोई फ्लेयर्स ही आ रही होगी, नियॉन लाइट्स उड़ के जा रही हैं इधर उधर, लेकिन नहीं, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है माइंडसेट। अब इस चीज को जज कैसे करना है, आप इस पूरे प्रोजेक्ट को एक टाइमलाइन की तरह लेके चलना कि आपने कब स्टार्ट करा था और आप अब कहां पे आ गए हैं। एंड आई होप जब आप ये प्रोग्रेस देखें तो आपके दिल से बस एक ही बात निकले, नाइस। आपके पास होना चाहिए अच्छा टेस्ट। जैसे मैं बता सकता हूं कि ये चीज अच्छी नहीं है, बट ये नो दिस इज नाइस, बट ये धीरे-धीरे करके डेवलप होगा। जैसे जैसे आप अपने एडिटिंग पाथ पे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका टेस्ट भी आपको सब बढ़ता रहेगा। पर एक और चीज जो लोगों को लगती है कि सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहती है। अगर मैं प्रीमियर से एडिट कर रहा हूँ तो ये बहुत बढ़िया है, अगर मैं एफसीपी यूज कर रहा हूँ तो ये बहुत घटिया है, इस सबसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है आपकी क्रिएटिविटी। या हाँ, मैंने वो बियर्ड यूट्यूबर थिंग करी वो ऐसे करके और मैं यहाँ आ गया, इट्स बीन 8 फकिंग आवर्स, आई एम डेड भाई। बट हाँ, आई होप इस वाले असाइनमेंट से आप काफी कुछ सीखे होगे और आपने काफी कुछ अप्लाई कर लिया होगा इस वाले पे। तो ऐसे हम फन असाइनमेंट्स करते रहेंगे आगे भी। और आउट्रो और क्या होता है देखो, नहीं पता मैं, बस कितना बोलता हूँ भाई मैं।